नहीं करा ये लग कोई रहा। स्पोर्ट्स ओनर के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, काफी दुख भरी खबर है। क्या दुख भरी खबर है, फ्यूचर में अब क्या है इन कारों का। फोर्ड जा रही है तो उनकी एक टैग लाइन है कि फोर्ड एक अलग सी फैमिली वाली फीलिंग, तो अब ऐसा लगता है जैसे फोर्ड एक अलग सी विदेशी वाली फीलिंग आ रही है। जो है मतलब जा तो रही है बट फोर्ड जितने भी हमारे कार ओनर्स हैं उनके दिल से नहीं जा रही है। नहीं, उनके दिल से शायद कभी जो जिनने चला लिया चला इनके पास है शायद ना जाए। उनको दुख बहुत है कि क्यों जा रही है, और रहती तो कुछ और मॉडल मिलते तो बेटर था। वेलकम बैक टू द चैनल, है द ट्रेल में आपका स्वागत है। गाइस, जब फोर्ड ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करने का अनाउंसमेंट किया तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कार लवर्स के लिए, और उससे भी ज़्यादा ये सैड न्यूज़ थी फोर्ड लवर्स के लिए जिनके पास फोर्ड की गाड़ियाँ हैं। सर्विस सेंटर तो उनके स्टार्ट रहेंगे और 4-5 साल तक शायद वो सर्विस देते रहेंगे, लेकिन फोर्ड की गाड़ियाँ बनना बंद हो जाएंगी। तो आज हम अपने चैनल में लाए हैं फोर्ड लवर्स को, और उनके पास इको स्पोर्ट है और पिछले काफ़ी सालों से वो चला रहे हैं गाड़ी, तो जानेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था फोर्ड वालों के साथ और कैसा सफ़र रहा और आगे वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो गाइस चलिए मिलवाती हूँ सबसे पहले आपको फोर्ड ओनर से, और वेलकम करती हूँ मैं आपका, आइए हमारे चैनल पे। और आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना नाम और आप क्या करते हैं। मेरा नाम आनंद है और मैं UPCL में हूँ। UPCL में जी, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि ये खूबसूरत सी जो गाड़ी है वो आपने कब ली थी, कौन सन में ली थी और कौन सा मॉडल है। ये ली थी मैंने 2016 में, ट्रेंड मॉडल है, इको स्पोर्ट्स ट्रेंड है। हाँ। तो कितने में पड़ी थी आपको ये? ये तब करीब अराउंड 10 लाख, अराउंड 10 लाख पे पड़ी थी। कितने साल हो गए आपको? 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे अब। फोर्ड जो है अपनी सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है और कहते हैं कि फैमिली वाली फीलिंग आती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपको तो आप पुराने कस्टमर हैं फोर्ड के, तो फोर्ड के साथ आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसा आपने कहा सेम, कि फोर्ड वाकई में फील कराता है कि एक फैमिली वाली फीलिंग, जो उनका टैग लाइन है वो उस पर खड़े उतरते हैं, और आज तक बहुत बढ़िया रहा है। कभी कोई उनकी तरफ से कभी ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं आई, या उनने कहा हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और कभी भी गए तो ईजिली, बहुत ईजिली सर्विसिंग हुई और एक्सपीरियंस अच्छे रहे हमारे, अच्छे रहे। सेकंड चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे सर्विस कॉस्ट जो है, कभी कभी आदमी जाता है सर्विस कराने और सर्विस कॉस्ट जो है आपको लगता है कि हम जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा आ रही है, तो कभी आपके साथ फोर्ड वालों ने ऐसा करा कि आपको लगा कि हाँ मेरी सर्विस जो है इतने की होनी चाहिए थी और इन्होंने इतने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए? नहीं नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कभी फील नहीं हुआ, मुझे तो लगा कि जेन्युइन ही ले रहे हैं। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको इसका एक्स्ट्रा पार्ट ही ख़राब हो गया, बदल लीजिए या कुछ कर लीजिए। उन्होंने जेन्युइन पैसा लिया, जो चीज़ का जो काम किया उसी का लिया, उसी कभी कभी मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की हमें कभी। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर को फोर्ड इको स्पोर्ट्स ओनर खुद बता रहे हैं कि उनकी सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, गाड़ी के बारे में उन्होंने बताया, उसके बावजूद भी फोर्ड को इंडिया से जाना पड़ रहा है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जितने भी कार लवर्स हैं, बिकॉज फोर्ड एक बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ियाँ बनाता था और जो है इसकी गाड़ियाँ जो ग्लोबली जो बिकती हैं वही इंडिया में बिकती थी। ऐसा नहीं करता था कि जैसे कि ग्लोबल मॉडल अलग होगा और इंडिया में कोई दूसरा मॉडल आ रहा होगा या उसकी क्वालिटी गिरा देंगे। जो ग्लोबली आपको जो अमेरिका में जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स मिलेगी वही इको स्पोर्ट्स इंडिया में भी मिलती थी, ये इनकी खासियत थी। बट उसके बावजूद जो है कंपनी की सेल्स जो हैं वो गिरी हैं और कंपनी को लॉस हुआ है इंडिया में। सो इस ये बहुत ही हाई टाइम है कि जो इंडियन कार लवर्स हैं उनको जो है अच्छी गाड़ियों को प्रेस करना, उनको ख़रीदना ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि 5 साल आपने इसको चला लिया है, तो कितना किलोमीटर चल गई है ये? अराउंड 25,000 to 30,000 किलोमीटर चला लिया आपने। चला लिया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इसको चलाने का? बहुत सुपर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। अभी भी वही फील आता है जो 5 साल पहले आ रहा था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हम तो इसके अलावा कोई और कार के बारे में सोचा ही नहीं था कभी। मतलब ये आपकी ड्रीम कार थी? ड्रीम कार, यही लेनी है, यही लेनी है, और मैं इसके अलावा कहीं गया ही नहीं।
इको स्पोर्ट्स के अलावा। और कंफर्ट बताइए, इसमें कंफर्ट कितना रहा आपको? बहुत ज्यादा, बहुत 5 सालों में ऐसा कभी ज्यादा? हाँ, जितना नहीं सोचा था उससे ज्यादा कंफर्ट। वैसे तो देखिए, जो ड्राइवर होते हैं ना, मतलब जो आप है, आप तो ड्राइवर आप चला रहे, जो फैमिली होती है वो अलग कंफर्ट बताती है अपना। तो मैं इन्वाइट करूंगी मैम, भी आइए साथ। सो मैम, जैसे कि सर ने तो बताया कि उन्होंने शुरू से सोचा है कि उनको फोर्ड ही चाहिए थी, पर ऐसा होता है ना फैमिली में, जब आती है गाड़ी लेने की सोचते तो कहते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, आपको ये चाहिए, तो मतलब एक क्लैश हो जाता है बीच में कि क्या लें करके। तो आप बताइए कि आपका क्या मन था और सर का क्या मन था? सर ने तो बता दिया, मतलब यही पसंद थी हमारी, आपकी भी यही चॉइस थी, फोर्ड में आप जाना चाहते थे। और इसके अलावा आपने कोई गाड़ियां सर्च करी? आपने नहीं देखी? सर्च करी है, लेकिन हमें यही पसंद आई, माइंड में भी पहले से यही थी और पसंद भी यही आई। चलिए, जैसे कि भविष्य को तो फोर्ड पसंद थी, मुझे नेक्सॉन पसंद थी, ना तो हमारे वहाँ थोड़ा मेरी चलती होगी ज्यादा। ना हमारे तो चलने से मतलब नहीं था, मतलब पसंद ही यही थी, पसंद थोड़ा यही कलर थी। को लेके थोड़ा सा था, हमने वेट किया कुछ टाइम। कौन सा कलर आपको चाहिए था? यही चाहिए था, मिलने में टफ हो रहा था। अच्छा, हरी दिख, थोड़ा हटके हो, हटके हो, और ये हटके भी है कलर, है वाकई हटके है, मतलब बहुत कम मिलेगा। सो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सपोज मान लीजिए कि फोर्ड अभी भी इंडिया में रहती और आपको मतलब गाड़ी चेंज करने का मन करता, तो क्या आप फोर्ड पे ही जाते या कोई दूसरी गाड़ी आप परचेस करना चाहते? अभी तक तो फोर्ड पे ही रहते, बिल्कुल फोर्ड पे ही रहते, मतलब आप फुली सेटिस्फाइड है फोर्ड से? फोर्ड से यह है कि फोर्ड के बाद ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कि ये शिकायत है कि ऑप्शन नहीं है। अब इको स्पोर्ट्स के बाद उनका बिल्कुल एकदम से हाई क्लास कार एंडेवर आ जाती है, जो बजट से थोड़ा वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। मतलब हम चाहते थे एक एंडेवर और इको स्पोर्ट्स के बीच में कुछ लाएं जो हमारे बजट में आ जाए, बजट में आ जाए, और जो इको स्पोर्ट्स वाले उनको अपग्रेड की फीलिंग भी आ जाए, फील आ जाए, फोर्ड के साथ बने रह सके, फोर्ड के साथ बने रह सके। तो हाँ, थोड़ा सा फोर्ड की भी गलती है कि उन्होंने नए मॉडल लॉन्च नहीं करे, जिस वजह से लिमिटेड ऑप्शन थे जी, तो उस वजह से शायद उनको कुछ लॉस हुआ या सेल्स कम हुई। बिकॉज फोर्ड के अलावा अदर कंपनी देखे तो उनके बहुत सारे मॉडल्स हैं, हर कैटेगरी के लिए है, जो जैसा चाहे, और वो टाइम अपग्रेड करते रहते हैं। थोड़ा फोर्ड की यहाँ पे माइनस पॉइंट में कह सकता हूँ, हो सकते हैं जी। ये आपने बताया कि 5 साल आपने ये गाड़ी चला ली है, जैसे और गाड़ियाँ होती है मारुति की हो गई है, और तो 1-3 साल बाद चल के ना खड़बड़ उनकी प्लास्टिक जो होती है करने लग जाती है, रैटलिंग नॉइज आने लग जाती है, तो आपकी गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया, क्योंकि 5 साल तो बहुत हो गए। फोर्ड की क्वालिटी ही शायद यही है कि इसमें दिक्कतें नहीं आती हैं ज़्यादा। तो अभी तक आपको ऐसी कोई नॉइज नहीं आ रही प्लास्टिक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहीं कोई नहीं। कहीं से कोई खड़बड़ कोई स्मूथ चल, बिल्कुल स्मूथ चल, पहाड़ों में हो या फिर हाई में चलाएं या पहाड़, एक सेम इसका परफॉर्मेंस रहती है। चलिए, आपका ध्यान तो होगा गाड़ी चलाने में, आपका होगा ना कि कहीं से कुछ बज रहा है? कुछ ना, बिल्कुल नहीं है, कहीं से कोई आवाज नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहीं खड़बड़ से चलती है मक्खन। हाईवे पे भी आपने चलाया है ना इसको? बहुत अच्छी। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जो है फोर्ड इंडिया में बिकेगी तो नहीं? सो आप एक, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप एक लक्की और एक प्राउड ओनर हैं फोर्ड इको स्पोर्ट्स के, बिकॉज आपने इसका एक्सपीरियंस लिया है, और फोर्ड की गाड़ियाँ जो चलाएगा उसके बाद ही वो उसको फील कर सकता है, बिना चलाए तो गाड़ी का फीलिंग आएगा नहीं। तो आपने तो चलाया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप फोर्ड के लिए कुछ कहना चाहेंगे? फोर्ड के लिए, अब फोर्ड जा रही है तो उनकी एक टैग लाइन है कि फोर्ड एक अलग सी फैमिली वाली फीलिंग, तो अब ऐसा लगता है जैसे फोर्ड एक अलग सी विदेशी वाली फीलिंग आ रही है, विदेशी वाली फीलिंग आ रही है। और फोर्ड जो है, मतलब जा तो रही है, बट फोर्ड जितने भी हमारे कार ओनर्स हैं उनके दिल से नहीं जा रही है। नहीं, उनके दिल से शायद कभी जो जिनने चला लिया चला इनके पास है शायद ना जाए, उनको दुख बहुत है कि क्यों जा रही है, और रहती तो कुछ और मॉडल मिलते तो बेटर था बिल्कुल। और ये फील मतलब अब आएगा नहीं, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे गाड़ियाँ पुरानी होती रहेंगी, तो फिर उसके बाद गाड़ी खत्म ही मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जी जी, टफ रहेगा, महंगी रहेंगी, अब एक्सपोर्ट होंगे तो महंगी गाड़ियाँ आएंगी, अब सॉफ्ट किसी के बजट पे नहीं आ पाएगी। हाँ, मतलब यहाँ से तो मतलब अब सिर्फ इंडिया में तो सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ बिकेंगी शायद, उनकी मस्टैंग और एंडेवर, वो काफ़ी कॉस्टली है। फोर्ड में जो एक अलग चीज़ थी इको स्पोर्ट्स में वो ये थी, तो सर जब भी आप जाते होंगे रोड में तो आपकी गाड़ी बिल्कुल अलग दिखती होगी इस वजह से, क्योंकि कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऐसे ही लुक आता नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमने फील किया कि जब कार चलती है तो एक बार जो भी रोड पे खड़ा है आदमी वो पलट के जरूर देखता था कि कौन सी कार जा रही है। जी, स्टेपनी ही इसकी यूएसपी है, यूएसपी है। और आपने तो 5 साल पहले ली थी, 5-6 साल पहले, तो उस टाइम पे तो बहुत कम थी, अल्मोड़े में तो 4-5 ही कार थी तब। जी जी जी, हमारी सिटी में मतलब 4-5 ही कार थी, तो लोग उस समय देखते थे इसको पलट के, और ये एक पूरा प्रॉपर एसयूवी वाला लुक देता था, मतलब अलग ही लुक था इस टाइम। क्योंकि ये चलन बहुत ज्यादा महिंद्रा की गाड़ियों में था ये चलन,
उसके बाद जो है इसी में ये चलन रहा इंडिया में, तो दो ही कार मैन्युफैक्चर हैं जो पीछे स्टेप नहीं देते थे इस तरीके से। स्पोर्ट्स ओनर के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज है, काफी दुख भरी खबर है। फ्यूचर में अब क्या है इन कारों का? जी जी जी, नहीं फ्यूचर तो गाड़ी का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने खरीद ली उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्विस की थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकती है? नहीं ऐसा भी मेरे हिसाब से होगी नहीं, क्योंकि मैं कई लोगों को देख रहा हूँ जो अभी भी डिस्काउंट में खरीद रहे हैं। जैसे डीलरशिप में किसी के पास गाड़ी खड़ी है तो वो नई इकोस्पोर्ट्स खरीद ले रहे हैं डिस्काउंट में। कहा है कि एटलीस्ट 15 ईयर तो हम रहेंगे, अब चलिए 10 ईयर भी अगर दें तो काफी रहेगा। काफी रहेगा क्योंकि जिसने अभी गाड़ी ली है, जिसने एक साल पहले गाड़ी ली है, तो वो उनके लिए थोड़ा और शॉकिंग न्यूज है। उनके लिए और शॉकिंग न्यूज है, फिर भी थोड़ा डाउट्स रहते ही है कि क्या है करके। पर यह है कि जितनी भी कंपनियां होती हैं, सेल्स से तो उनको फायदा होता ही है, बट उससे ज्यादा जो है सर्विस से फायदा होता है। तो सर्विस तो रहेगी रहेगी जितने भी, क्योंकि उतने आउटलेट्स हैं, जितने भी डीलर्स हैं उनके सर्विस सेंटर चल रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। उम्मीद पे दुनिया का है, फोर्ड पे ट्रस्ट किया है तो अब फोर्ड को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। और इन गाड़ियों में इतनी दिक्कत आती नहीं आती, वाकई में दिक्कत फोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ज्यादा सर्विस कॉस्ट बहुत कम है। सर्विस जी तो कोई दिक्कत, मेनली आपको फिल्टर बदलना है और जो है इंजन ऑयल बदलना है। सस्पेंशन भी गाड़ी का जो है 70-80 हज़ार आराम से चल रहा है, आराम से। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो कोई पार्ट्स इसके स्पेयर पार्ट्स बदले नहीं अभी तक। जी 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 जी, कुछ और बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको अगले 5 साल, हम खुद ही बताएंगे जब बदलना होगा। जी जी जी, कंपनी का भी मिसगाइड नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोर्ड तो कभी नहीं करती है, मतलब मेरे को और पे तो नहीं कह सकता, लेकिन फोर्ड तो कभी ऐसा नहीं करती है, ट्रस्टी यही था। जी जी जी। सो सर, हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कहेंगे कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने जो अपने व्यूज हैं वो शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि हाँ कैसा रहा 5 साल तक। आपने जो है सर्विस भी कराई है फोर्ड के साथ और उनके जितने भी जो सर्विस एडवाइज़र हैं उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो किस तरीके से आपको गाइड करा उन लोगों ने, और जैसा कि आपने बताया मतलब कि काफ़ी अच्छा रहा। और ये काफ़ी शॉकिंग था कि जो फोर्ड है वो अब जा रहा है इंडिया से, और सभी के लिए शॉकिंग है क्योंकि फोर्ड लवर्स बहुत है इंडिया में और काफ़ी 10 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ फोर्ड की है भारत में। तो आई होप गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड।